कि किस दिन है सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण जो नासा की फिजिकल और बताती है, बताती है, सेम कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो हमारा तो पांच हजार साल का पंचांग है इवन अभी चंद्रयान पे गए तो मैं एक बात कहना चाहता हूं किसी से पूछिए कि साल में बारह महीने क्यों होते हैं डिविजन होता तो दस होने चाहिए थे अच्छा किसी से पूछिए कि सर्किल में तीन डिग्री क्यों होते हैं मैं सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूँ जो इन लोगों समझ में आता बड़े से बड़े मैथमेटिक्सर से तो पूछिए कि साहब सर्किल है वही देना थ्री हंड्रेड सिक्स डिग्री सर्किल इंपेरिकल डिवीजन में सौ होते दो सौ होते तीन सौ होते समझ में आता साढ़े तीन सौ भी समझ में आ सकता था वाई थ्री सिक्सटी उसका रीजन है कि हमारे यहां छह वेदांग है शिक्षा कल्प निरुक्त तो छंद व्याकरण ज्योतिष वेदों के छह अंग ज्योतिष के दो भाग हैं फलित और गणित द इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज To interpret the motions of the planets a planetary motion when Earth takes one circle round the sun in that process it rotates 360 times on its axis that's why there are 360 degrees in a circle and in that process twelve times moon takes the round of the earth so that's why there are 30 12 months in this hmm. process so to ituna scientific ni और उसके बाद किसी को नहीं समझ में आ रहा है और फिर मैं लास्ट में कहना चाहूंगा लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म में ये खराबी है वो फलाना दिमाग मैं एक छोटी सी बात बताऊं हम माला जपते हैं तो 108 टाइम्स जपते हैं ना क्यों 108 बार जपते एक सौ आठ बार जपती हैं तो know, मुझे पता नहीं पर... पता। बताता हूं आपको दोनों अभी हमने चंद्रयान लैंड करवाया और सूर्य के लिए आदित्य तिलवन भेजा है दोनों से कनेक्शन है मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जाके चेक करिए अर्थ और सन का डिस्टेंस देखिए 15 लाख ,00 कुछ माइल्स है और उसको सन के डायमीटर से डिवाइड करिए 178 देन यू टेक द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून एंड डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ मून कहीं पर 109 कुछ आएगा इट्स आल्सो कम्स अंडर नेट तो क्या है 108 इज द गैलेक्टिक रेशियो ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस देखिए सूर्य से हमारी दूरी अगर 108 है अगर इस रेशियो में टेन परसेंट की कमी आ जाए यानी दस परसेंट नजदीक आ जाए तो अर्थ इतनी हॉट हो जाएगी कि लाइफ नहीं रह सकती थोड़ा सा दस, 10 उधर चली जाए तो की टू की तो टू कोल्ड गैलेक्टिक रेशियो इज अ गारंटी ऑफ लाइफ सूर्य आत्मा का प्रतीक चंद्रमा मन का प्रतीक हमारे यहां से ही नहीं कहा गया आज भी अब तो साइंस कहती है ना कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसका अपना नहीं है इसीलिए हमारे कहा गया मन आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है और इसलिए 108 बार जब मन और आत्मा का एकीकरण करना है इस सोलर सिस्टम में बैठ के तो इट हैजू बीडेड अब इसके बाद इसमें किसी को डिजीज नजर आती है तो सोचिए किसके मन में डिजीज है बड़े बड़े साइंटिस्ट उन बातों को कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं द यंगर जनरेशन शुड कम आउट ऑफ दिस मैकाले मार्क्स वायरस और आगे आए और मैं कहना चाहता हूं और सबसे बड़ा जो नुकसान किया जा रहा है वो तो दलित समाज के साथ किया जा रहा है उससे कहा जाता तुम पढ़ो ही नहीं जिसमें बड़े बड़े साइंटिस्टों को इतनी बड़ी बड़ी साइंस नजर आती है कहते हैं तुम पढ़ो नहीं आज तो पढ़ने में कोई रोक नहीं है कोई कहता था पढ़ो अपने आप पढ़ो देखो देन कंपैरिजन करो और इस ढंग के फैकेट में मत फंसो वो एक थ्योरी बता